बात करें इसकी जो भी ड्यूरेबिलिटी वगैरह की, तो यहाँ पर जो फ्लिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है एंड इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जेब्रोनिक्स। एंड जेब्रोनिक्स से मैंने काफ़ी सारे वायर वगैरह भी और परचेस किए, बट उनकी जो क्वालिटी वगैरह थी मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। तो वेलकम है चैनल गाइस, मैं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। यहाँ पर मैं देखिए दो चार्जिंग केबल है, यहाँ पर जो राइट में है वो जेब्रोनिक्स का है एंड यहाँ पर जो लेफ्ट में है वो फ्लिक्स का। यहाँ पर देखिए जो जेब्रोनिक्स है इसका जो मॉडल नंबर वगैरह है वो है UCC101 एंड बैक साइड में इसके और भी डिटेल्स वगैरह हैं, जैसे इसके अंदर 2.4 एम्पीयर की चार्जिंग वगैरह मिलती है। साथ में इसका जो लेंथ वगैरह 1 मीटर्स का है एंड बात करें चार्जिंग की तो इसे चार्ज एंड सिंक दोनों ही कर सकते हैं। और जो मेरे पास केबल वो ब्लैक कलर का है एंड अभी इसकी प्राइसिंग है 325 रुपीज़, बट मैंने इसको अमेजोन से अराउंड 99 रुपीज़ में परचेस किया था। बात करें फ्लिक्स की तो देखिए कुछ इस तरह फ्लिक्स का बॉक्स है, यहाँ पर आपको मिलती है 200 डेज की वारंटी, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड इसका जो केबल वगैरह वो ब्रेडेड है। बात करें साइड में यहाँ पर आपको देखिए और भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि जो चार्जिंग स्पीड वगैरह वो 2 एम्पीयर की है एंड इसके अंदर आप डेटा वगैरह भी सिंक कर सकते हैं। बात करें इसकी प्राइसिंग वगैरह की, यहाँ पर है 349 रुपीज़, बट मैंने इसको सिर्फ 89 रुपये में परचेस किया था अमेज़ोन से। तो चलिए दोनों को यहाँ से ओपन करते हैं एंड कंपेयर करते हैं इसकी जो केबल की क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरे राइट में है वो जेब्रोनिक्स केबल है एंड यहाँ पर जो लेफ्ट में है ये फ्लिक्स का है एंड डेफिनेटली जो फ्लिक्स की जो वायर की क्वालिटी है फर्स्ट इंप्रेशन में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जेब्रोनिक्स। तो चलिए मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो कुछ इस तरह दोनों का वायर वगैरह है। ये देखिए यहाँ पर आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है एंड इसका जो क्वालिटी है ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर फ्लिक्स। आप डेफिनेटली देख सकते हैं जो फ्लिक्स की जो क्वालिटी है देखने में ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। एंड बात करें दोनों की वायर की थिकनेस वगैरह की, तो यहाँ पर जो फ्लिक्स का वायर है थोड़ा सा ज़्यादा थिक है एंड ब्रेडेड है। ये देखिए इसकी जो क्वालिटी है, यहाँ पर जो फ्लिक्स की वायर की जो क्वालिटी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं बात करें फ्लिक्स की तो इसका वायर उतना मतलब ड्यूरेबल नहीं लग रहा है। एक देखिए आपको इस तरह प्लास्टिक का इसमें कवरिंग मिलता है लाइनिंग का, बट इसकी जो वायरिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे इसके यूएसबी पोर्ट की, कुछ इस तरह सब पोर्ट वगैरह मिलता है ये देखिए। एंड डेफिनेटली आप देख के ही आपको आइडिया मिल गया होगा यहाँ पर जो फ्लिक्स की वायर की जो क्वालिटी है इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कुछ इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड बात करें दोनों की चार्जिंग स्पीड वगैरह की, तो यहाँ पर जो जेब्रोनिक्स है वो 2.4 एम्पीयर पर चार्ज होता है एंड यहाँ पर जो फ्लिक्स है वो 2 एम्पीयर पे, तो दोनों ही फास्ट चार्जर नहीं है। अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो फास्ट चार्जर नहीं है क्योंकि 2 एम्पीयर पे ऐसे बहुत ही कम चार्जर होते हैं जो 2 एम्पीयर पे फास्ट चार्जिंग वगैरह करते हैं। बात करें दोनों की प्राइसिंग वगैरह की, यहाँ पर जो जेब्रोनिक्स है इसकी जो प्राइसिंग अमेजोन पे है वो है 119 रुपीज़, वहीं पर फ्लिक्स की जो प्राइसिंग है 199 रुपीज़। तो यहाँ पर जो फ्लिक्स की प्राइसिंग है करंटली थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जेब्रोनिक्स। एंड बात करें दोनों की वायर क्वालिटी वगैरह की या फिर दोनों की डेटा ट्रांसफर वगैरह की, तो आप दोनों से ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं मिलने वाली है। आपको नॉर्मल स्पीड मिलती है डेटा ट्रांसफर वगैरह में। अभी बात करें इसकी जो भी ड्यूरेबिलिटी वगैरह की, तो यहाँ पर जो फ्लिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है एंड इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जेब्रोनिक्स। एंड जेब्रोनिक्स से मैंने काफ़ी सारे वायर वगैरह भी और परचेस किए, बट उनकी जो क्वालिटी वगैरह थी मुझे उतनी पसंद नहीं आती। बात करें मेरे ओपिनियन वगैरह की, तो अगर आप यहाँ पर कुछ एयरफोन वगैरह चार्ज करना है या फिर किसी ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह को, आप डेफिनेटली इनको परचेस कर सकते हैं, बट आपको सजेस्ट नहीं करूँगा फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए इनको परचेस करें। अगर आपके अपने फोन वगैरह को चार्ज करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कंपनी के जो ओरिजिनल चार्जर वगैरह आते हैं या फिर जो ओरिजिनल केबल वगैरह आते हैं उनको ही परचेस करें, क्योंकि उतने इसकी जो रेटिंग वगैरह उतनी ड्यूरेबल नहीं रहती है एंड इसमें को फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। 2 एम्पीयर है तो इसके जो चार्जिंग की स्पीड वगैरह रहेगी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। अब इसे नॉर्मल डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको अपने फास्ट चार्जर में लगा के इसको यूज़ वगैरह करें। एंड सेम कंडीशन यहाँ पर जेब्रोनिक्स भी है, तो फास्ट चार्जिंग 2.4 एम्पीयर तक करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। एंड दोनों के जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं दोनों का पर्टिकुलर अनबॉक्सिंग का वीडियो। एंड मैं आपको तो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर कोई वीडियो पसंद है तो लाइक करें एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे कनेक्टेड।